फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x के पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें जो टर्म दिया हुआ है ना, इस फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जो कांस्टेंट हमारा टर्म है, ठीक है ना। तो मैं सभी में एलसीएम ले रहा हूँ, 8 आ जाएगा। देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, तो 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक, 8 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8 की मल्टीप्लाई x हो जाएगी कितना हो जाएगा 8x, अब प्लस का 1 और इक्वल टू में 0। ठीक, ये 8 इधर सभी के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ, तो 0 के साथ जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बच गई। पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब देखिए, सबसे पहले मुझे कॉन्स्टेंट टर्म देखना वो है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट देखना है वो 16 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 16 की और 1 की, 16 वन जा 16। ठीक, इनके बाद इनके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखिए 16 किसके टेबल में आएगा, एक तो 16 के टेबल में आएगा, 16 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 8 जा 16, 16 4 के टेबल में आएगा, 4 4 जा 16, फिर 8 के टेबल में आएगा, फिर 16 के टेबल में आएगा। तो ये तीन हमारे फैक्टर हो गए। ठीक, अब उसके बाद हमें देखना कि 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म से पहले प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमें इन सब फैक्टर के सम देखने हैं। तो जैसे इस 16 का 1 का सम कितना हो जाएगा 17, 8 और 2 का सम कितना आ जाएगा 10, 4 और 4 का कितना हो जाएगा सम 8। तो वो सम किसके इक्वल होना चाहिए, x के कोफिशियंट 8 के इक्वल होना चाहिए। तो कौन से वाले फैक्टर लेंगे हम, ये वाले फैक्टर लेंगे 4 और 4, इन दोनों का सम क्या हो रहा है 8 हो रहा है। 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, ये साइन बताता है कि सम लेना है, डिफरेंस सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट होता है वो आना चाहिए। तो 4 और 4 हो जाएंगे ये फैक्टर, तो ये लिखेंगे हम 16x स्क्वायर माइनस, ऐसी रहा इस 8 की जगह लिखेंगे हम 4 प्लस 4। अब आप देखिए 4 और 4 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, x ऐसी रहा ये वाला, प्लस का 1 और इक्वल टू में आ गया 0। ठीक, 16x स्क्वायर हमारा ऐसी रहा, माइनस का साइन वैसे रहा, x की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 4x, 4 की मल्टीप्लाई फिर दो x की मल्टीप्लाई 4 से करें 4x, अब प्लस का 1 और इक्वल टू 0, माइनस साइन अंदर भेज देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस का तो 4x हो जाएगा और ये भी माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4, शुरू के 2 टर्म में कॉमन आता है और लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो शुरू के 2 टर्म में हमारे एक तो 4 कॉमन आएगा, क्योंकि भाई 4 के टेबल में 16 भी आ रहा 4 भी आ रहा, और एक वेरिएबल x जरूर कॉमन आएगा। ठीक, 4 का टेबल पढ़ेंगे 16 आ जाए कितनी बार, 4 4 जा 16, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो एक x यहां बच गया, माइनस का साइन ये रहा। देखिए 4 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, कितना बचेगा 1, ठीक है ना, माइनस, देखिए थर्ड टर्म माइनस का है तो माइनस जरूर कॉमन आएगा। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिखेंगे हम, जब कुछ कॉमन नहीं आता तब 1 हो जाता है। माइनस 1 मैंने कॉमन लिया है तो माइनस तो बाहर चला गया, प्लस का 4x यहां बचेगा, इस प्लस में से माइनस बाहर गया तो यहां माइनस का बचेगा और 1 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। देखिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ये वाली ब्रैकेट हमेशा सेम बचती है, इसे मैंने यहां लिखा 4x माइनस 1 और दूसरी ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा 4x माइनस का 1 और इक्वल टू में 0। ठीक है ना, अब देखिए या तो ये वाला टर्म 0 है या ये वाला टर्म 0, तभी तो इनकी मल्टीप्लाई 0 है। तो लिख रहे हैं इफ 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 था राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा हमारा पहला रूट, और दूसरा रूट भी हमारा यही हो जाएगा क्योंकि ये टर्म दोनों सेम ही थी। ठीक, तो यहां से भी हमारा कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन 4 ही आ जाएगा। देखिए रूट हमारे 2 आते हैं तो दोनों ही सेम सेम आ रहे हैं, इसमें 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 4।